हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सत्यानंद मिश्रा, और स्वागत है आप सभी का एक अमेजिंग फैक्ट्स से भरे नए वीडियो में, ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मिश्रा। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि वीडियो के एंड में एक अनाउंसमेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर वन, हम लिक्विड एटमोसफियर भी पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एटमोसफियर को -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर चाहिए है। फैक्ट नंबर टू, एस्ट्रोनॉट्स फोमलेस टूथपेस्ट यूज करते हैं। इसका कारण यह है कि जब हम टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उसमें फोम जनरेट होता है, और अगर स्पेस में फोम जनरेट हुआ तो बेसिन में गिरने के बजाय वो इधर उधर उड़ने लगेगा और सर्किट्स को डैमेज करेगा। फैक्ट नंबर थ्री, फिजिकल एक्सरसाइज से ज़्यादा एनर्जी हमारे सोचने में लगता है। फैक्ट नंबर फोर, डेडली इलेक्ट्रिक करंट का वोल्टेज 50 वोल्ट्स से शुरू होता है, और इलेक्ट्रिक ईल 600 वोल्ट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि 12 लोगों को एक बार में मारने की काबिलियत रखता है एक इलेक्ट्रिक ईल। फैक्ट नंबर फाइव, डेजर्ट माइस कभी पानी नहीं पीते, पानी को खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटरी प्लांट्स। कन्फ्यूज मत होइए प्लीज। फैक्ट नंबर सिक्स, 1769 AD से पहले ही ऑटोमोबाइल्स इन्वेंट हो चुके थे, लेकिन वो स्टीम से चला करते थे। फैक्ट नंबर सेवन, डीजल व्हीकल को हम नॉर्मल एडिबल ऑयल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर एट, 1 ग्राम यूरेनियम का फिशन जब होता है तो जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो 2.5 टन कोयले से ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है। फैक्ट नंबर नाइन, हर दिन 100 से भी ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। फैक्ट नंबर टेन, स्काईलार्क नाम के पक्षी लगातार गाना गाते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो बड़े पक्षियों के हत्थे चढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 11, एक हाई यील्डिंग काओ दिन में लगभग 50 लीटर मिल्क देती हैं, जबकि एक बछड़े के लिए सिर्फ 8 लीटर मिल्क ही सफिशियंट होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अब है अनाउंसमेंट का वक्त। अनाउंसमेंट ये है कि अब मैं हर संडे को वीडियो डालूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स में लिख दीजिए कि आपको जानकारी कैसी लगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही उसके बाजू वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।